हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मुकामाघाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग पहले नंबर तो फॉरेन ट्रेड के बारे में और फिर जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को या फिर किसी कंट्री को किस तरीके से कनेक्ट करता है यानी कि जोड़ता है ता है या फिर किस तरीके से इंटीग्रेट करता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम लोग देखे थे कि बहुत लंबे समय तक जो फॉरेन ट्रेड था जिसके ज़रिए दो कंट्री दो देश आपस में जुड़ते थे और आपस में किसी भी तरह का कनेक्शन रख पाते थे, इसी के चलते ये ट्रेड के चलते हैं, फॉरेन ट्रेड के चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं इंग्लैंड का जो इंडिया पर कम से कम वो 200 साल तक लगभग राज किया, तो यह देश इंडिया के संपर्क में स्टार्टिंग में कैसे आया। तो इंडिया और इंग्लैंड का संपर्क सिर्फ किस रीजन के कारण हुआ, किस कारण के कारण हुआ, तो हुआ था सिर्फ फॉरेन ट्रेड के कारण हुआ, विदेशी व्यापार के कारण ही ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में संपर्क हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी सिर्फ स्टार्ट में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए और उससे अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसी तरह से पहले हिस्ट्री में पहले के इतिहास में देखने पर पता चलता है कि दो कंट्री के बीच में कनेक्शन का मुख्य जरिया फॉरेन ट्रेड ही होता था, जिसमें इंडिया से कई सारे ट्रेड रूट थे, व्यापार मार्ग जो कि इंडिया को साउथ एशिया के दक्षिणी एशिया को ईस्ट और वेस्ट के मार्केट से जोड़ते थे, जहाँ से बहुत ही बड़ी संख्या में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। ये ट्रेडिंग इंटरेस्ट के कारण ही बहुत सारे कंपनी इंडिया में आए थे, जिसमें पहले बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आया, उसी तरह पुर्तगाली लोग भी यहाँ व्यापार करने के लिए आए इंडिया में, डच लोग भी आए यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए। उनका स्टार्ट में एक ही मकसद था, सिर्फ व्यापार करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड एक तरह के क्या है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है वो, जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चर है जो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला व्यक्ति प्रोड्यूसर वह अपने लोकल मार्केट से बाहर जाकर दूसरे जगह जाकर वह अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, बेच सकता है, किसमें ही फॉरेन ट्रेड में। एग्जांपल के तौर पर जैसे एप्पल कंपनी हुआ तो मोबाइल बनाती है, वो कहाँ के है, USA का है कंपनी है, तो उसका लोकल मार्केट कहाँ हुआ, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ। अगर एप्पल कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को फॉरेन ट्रेड नहीं करे तो वह सिर्फ कहाँ बेचेगा, सिर्फ अमेरिका में ही बेच सकता है और वहीं पर वो प्रॉफिट जो कमाना हुआ से कमाए। लेकिन अगर एप्पल अगर फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार से करता है
तो वह अमेरिका से भी बाहर जाकर वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी देश में, एशिया के देश में, अफ्रीका के देश में, या कहीं भी वो अपने गुड्स को बेच सकता है। इस तरह कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से बाहर जाकर किसी भी कंट्री में बेचता है। तो इससे क्या होता है कि जिस देश में बिकता है इनका गुड्स सामान, इस तरह से वहाँ के लोग जो होते हैं, उनको गुड्स को ख़रीदने वाले जो लोग हैं, उनको एक चॉइस भी बढ़ जाता है। जब कोई विदेशी सामान आता है तो उनके पास चॉइस हो जाता है कि पहले से तो था ही, अब और एक नया गुड्स भी आ गया कम रेट में, चाहे फिर अच्छा स्टाइलिश डिजाइनिंग वाला। तो इससे क्या है, लोगों के पास एक चॉइस आ जाता है। ठीक है, उसी चॉइस के बारे में बताया गया है, एक एग्जांपल के तौर पर चाइनीज टॉय इन इंडिया, मैंने भारत में चीन के खिलौने आए हैं, उसी का एग्जांपल है फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो टॉय बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं चाइना में, तो उन्हें पता चलता है कि इंडिया में आसानी से टॉयस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ निर्यात कर सकते हैं खिलौना को, जहाँ की जो टॉयस हैं, जो खिलौना है, जो काफ़ी हाई रेट में, हाई प्राइस पर बेचे जाते हैं इंडिया में, ऐसा उन चाइनीज लोगों को पता चला है। यानी इंडिया में जो हाई प्राइस पर इंडियन टॉयस बिकते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, चाइनीज लोग अपना जो सस्ता हुआ प्लास्टिक के जो खिलौना, उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इंडियन ख़रीदार के पास, जो ख़रीदने वाले थे टॉयस खिलौना, उनके पास भी एक चॉइस हो गया, ऑप्शन हो जाता है कि वो इंडियन टॉयस को ख़रीदे या फिर चाइनीज टॉयस को ख़रीदे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि चाइनीज जो खिलौना था वो काफ़ी सस्ता था इंडिया खिलौना के तुलना में, और भी वहाँ के जो चाइनीज टॉयस थे वो न्यू डिज़ाइन के थे, नया नया डिज़ाइन के। तो इससे भी लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा ख़रीदने के प्रति, और चाइनीज टॉय खरीदे ऑप्शन भी मिला उसके पास, पहले इंडियन ही टॉय सिर्फ था, जिससे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और हाई रेट में उसको ख़रीदते थे वे। जब चाइनीज टॉयस आ गया तो रेट भी कम है और न्यू डिज़ाइन के भी मिल रहा है, जिससे क्या हुआ कि जो चाइनीज टॉय हैं वो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और देखते देखते एक साल के अंदर ही वो 70-80% दुकानों में चाइनीज टॉय बिकने लगे हों, इतना पॉपुलर हो गया, सस्ता दाम पर मिला और अच्छा विकल्प मिला लोगों को, तो चाइनीज टॉय ही खरीदने लगे। इस वजह से इंडिया में जो टॉय थे, जो खिलौना थे, वो सस्ता हो गए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रहे थे चाइनीज, जो काफ़ी सस्ता था। तो यहाँ जो ट्रेड का रिजल्ट के रूप में हम देखें, व्यापार का रिजल्ट क्या निकला, तो अब हुआ कि इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉय मौजूद थे, और उनके आने के बाद इंडियन मार्केट में अब चाइनीज टॉय और इंडियन टॉय के बीच में कंपटीशन होने लगा, क्योंकि चाइनीज टॉय जो काफ़ी बेहतर भी थे और कम कीमत पर भी मिलते थे, और वो न्यू डिज़ाइन के भी थे, जिससे क्या हुआ, लोगों को अधिक चॉइस मिला। इससे चाइनीज टॉय का धीरे धीरे इंडिया में व्यापार फैलने लगा, फैल गया। इसके अपोजिट साइड अगर विपरीत में देखा जाए, तो इंडियन टॉय जो निर्माता थे, जो इंडिया खिलौना बनाते थे, उनको ज़्यादा अब हानि होने लगा, क्योंकि उनके खिलौने अब कम बिकने लगे थे, लॉस होने लगा, कम बिकेगा तो लॉस होगा ही। ठीक है, इस तरह से हम देखें फॉरेन ट्रेड के बारे में, चाइना और इंडिया के खिलौने से संबंधित एग्जांपल। तो जनरली ट्रेड को ओपन करने के लिए, जब खोल देता है, खुला बाज़ार जब होता है, तो
करने से क्या होता है कि जो सामान है, जो गुड्स है, वह एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल करता है और इसके साथ ही लोगों का चॉइस भी बढ़ जाता है। अभी देखें, चॉइस बढ़ता है जब सामान ज़्यादा आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि दो मार्केट में एक ही गुड्स का प्राइस रेट जो होगा वो सेम होने लगता है और दो कंट्री के प्रोड्यूसर लोग जो एक दूसरे से हजारों मील दूर रहते हैं, उनकर भी वे एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। किससे? तो ये फॉरेन ट्रेड से। इस प्रकार फॉरेन ट्रेड डिफरेंट कंट्री के मार्केट को कनेक्ट करने या फिर मार्केट के इंटीग्रेट करने यानी एकीकृत करने, एकीकरण करने में हेल्प करता है ये फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ओके। आगे हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है, उसके बारे में। ओके।